हेलो एवरीवन, आज मैंने अपनी वीडियो बनाई है क्लीनिंग के ऊपर। और ये देखिए सरफेस क्लीनर है, इससे काफ़ी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो आज मैं बिजली के जो बोर्ड होते हैं उनको मैं साफ़ करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है सरफेस क्लीनर और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिला दिया है। और एक छोटा सा फोम का टुकड़ा ले लिया है, उसको मैंने सरफेस क्लीनर में डिप किया है और पूरे बोर्ड पर मैं इसको लगा दूंगी। और मैंने बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लिया है, क्योंकि थोड़ा सा भी गीला होगा तो बोर्ड के अंदर पानी जाने का डर रहता है। वैसे आप प्लग लगाने की जगह पर टेप भी चिपका सकते हैं, सेलो टेप, लेकिन उस जगह पर ना फिर साफ़ नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने एक टूथब्रश लिया है और उससे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दूंगी बोर्ड को। और ये पूरा देखिए चमक गया है। और इसके बाद मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उसको साफ़ पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़कर इसको मैं साफ़ कर दूंगी बोर्ड को। ये देखिए कितना चमक गया है, इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़्यादा रगड़ना रगड़ना भी नहीं पड़ता। ये देखिए बोर्ड कितना शाइन कर रहा है। और सरफेस क्लीनर से आप टाइलें भी बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, लगाकर उसको 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है, उसके बाद साफ़ पानी से आप साफ़ कर सकते हैं तो टाइलें भी चमक जाएंगी। और इन दिनों क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा है और वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग के साथ साथ वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब मैं काम शुरू कर देती हूँ तो उस समय कैमरा सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, याद ही नहीं रहता। और जब याद आता है तो फिर ये लगता है कि चलो इतनी देर में हम काफ़ी सफाई कर लेंगे। तो इसी वजह से मैं क्लीनिंग की वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि कभी इधर से कभी उधर से, जिधर से मेरे से हो पाता है मैं उधर की क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ, और साथ साथ कैमरा लिए घूमना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ और बिगिनर को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इतनी प्रैक्टिस तो होती नहीं है। और आगे आगे अगर यूट्यूब पर बनी रही तो मैं और अच्छी वीडियो डालूँगी, लेकिन अभी तो मैं छोटी छोटी चीज़ें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने दूसरा बोर्ड भी आपको साफ़ करके दिखाया है, इसी से मैंने साफ़ किया है। इस पर मैंने खाली टूथब्रश से ही क्लीन कर दिया था और उसके बाद साफ़ कपड़े से, गीले से इसको साफ़ कर दिया है। देखिए कितना शाइन कर रहा है ये। और इसके बाद मैं क्लीन करूँगी एडजस्ट फैन, और आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है ये। और ये बोर्ड में फिक्स नहीं है तो मैं इसको निकाल कर ही साफ़ करूँगी। ये देखिए आर पार आपको दिख रहा होगा, मैंने निकाल लिया है। और ये मैं यूज़ करती हूँ पॉली बैग ऐसी चीज़ों के लिए, तो मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं, जो कपड़े वाले होते हैं ना उनको मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ सफाई वगैरह के लिए। और इसको एडजस्ट फैन को मैं क्लीन करूँगी थिनर से। थिनर हर जगह मिल जाता है, जो पेंट का सामान मिलता है ना वहाँ पर मिलता है ये, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो किचन में चिकनाई वाला सामान होता है ना, एडजस्ट वगैरह होता है, या किचन की चिमनी होती है, जहाँ पर भी चिकनाई के दाग होते हैं तो वो थिनर से बहुत अच्छे से छूट जाते हैं, बहुत आसानी से। और ये देखिए मैं आगे का पार्ट अलग कर रही हूँ, तो आगे का पार्ट ये पहले साफ़ करूँगी, अलग अलग पार्ट में बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा ये। और ये पॉली बैग में मैंने थिनर लगा लिया है, इसी से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा एकदम से, सारी चिकनाई छूट जाएगी इसकी। और इसमें ये भी नहीं है कि पहले इससे करेंगे फिर गीले कपड़े से करेंगे, 2-2 बार करना पड़ेगा, बस इसी से हम साफ़ करेंगे और ये एकदम से चमक जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इसके बाद मैं पीछे का पार्ट करूँगी, ये पंखुड़ियाँ वगैरह, इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। और पहले मैंने सोचा हुआ था कि किचन की क्लीनिंग की पूरी वीडियो मैं डालूँगी, लेकिन किचन की क्लीनिंग की वीडियो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि वो मैंने कई पार्ट में की है, कभी सुबह कभी शाम कभी आज कभी कल, थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हो सका है, तो इसीलिए बस मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और आज मैंने बिजली के बोर्ड वगैरह क्लीन किए थे और ये एडजस्ट, तो इसी की आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी वीडियो। और ये फ़ैन भी मैंने साफ़ कर दिया है और देखिए कितना चमक गया है, धूल मिट्टी और चिकनाई के दाग बिल्कुल छूट गए हैं इसके। Oh,
हीटर्स फैन की है बैक साइड, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और इसके लिए मैं दूसरा पीस जो मैंने पॉली बैग का अलग किया था वो ले रही हूँ मैं। और ये देखिए कितना साफ़ हो गया है ये। और थिनर से साफ़ करने का फ़ायदा ये है कि जैसे हम सोप वगैरह से साफ़ करेंगे तो पहले उसको सोप लगाकर साफ़ करेंगे, उसके बाद साफ़ पानी से साफ़ करेंगे। और सोप में भी मतलब गुनगुना पानी लेना पड़ेगा क्योंकि चिकनाई के दाग तो छूटेंगे नहीं। और इसमें तो बस थिनर से साफ़ करते जाओ, सारे चिकनाई के दाग भी छूट जाएंगे। और इसमें सुखाने का भी कोई झंझट नहीं है क्योंकि थिनर है तो ये अपने आप ही साथ साथ सूखता भी चला जाता है, तो इसमें टाइम की भी बचत हो जाती है। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। तो मैं ये तो चीज़ें जो चिकनाई वाली होती हैं थिनर से ही साफ़ करती हूँ हमेशा। ये देखिए कितना चमक गया है ना एडजस्ट फैन। तो अब इसमें मैं लगा देती हूँ इसका कवर जो मैंने निकाला था, और फिर इसके बाद मैं अपनी जगह पर इसको बोर्ड में फिक्स कर दूँगी। फिक्स करने के बाद आपको दिखाऊँगी कि पहले कितना गंदा था और थिनर से साफ़ करने के बाद कितना चमक गया है ये। ये देखिए इसकी पुरानी हालत क्या थी, कितना गंदा हो रहा था, और अब देखिए कैसे चमचमा रहा है ना।